नमस्कार मित्रों, लाइव लाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों मित्रों स्वप्न फल सीरीज में सपनों की बात करते हैं। मित्रों सपने देखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है मित्रों, लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमें संकेत दे जाते हैं। मित्रों वैसे तो सपने हमें अक्सर वही आते हैं जो हम दिन में दिनचर्या में जो काम करते हैं, और वही अक्सर सपने में दिखाई देते हैं वही चीज़ें। लेकिन मित्रों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सपने में आती हैं जो हमें संकेत देती हैं। मित्रों ये सपने अगर आपने ब्रह्म मुहूर्त में देखे हैं मित्रों, तो ये सपना सच साबित होता है। मित्रों तो आइए जानते हैं सपने में उल्लू देखना कैसा होता है। मित्रों तो सपने में उल्लू देखना कैसा होता है मित्रों, जानने से पहले लाइव लाइन एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने कर दिया है मित्रों उनका धन्यवाद। जो लोग नहीं कर पाए हैं कृपया लाइव लाइन एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं। मित्रों तो आइए जानते हैं सपने में उल्लू देखना कैसा होता है। मित्रों ये सपना एक अशुभ सपन होता है या संकेत देता है कि आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, आपका परिवार में अनेक प्रकार की परेशानियां बढ़ जाएंगी। मित्रों धन की हानि भी हो सकती है, लोग आपको धोखा भी दे सकते हैं। मित्रों आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। मित्रों इसी प्रकार से अगर आपने उल्लू की पीठ देखी है सपने में, तो उल्लू की पीठ देखना सपने में शुभ सपना माना जाता है। मित्रों उल्लू की पीठ देखना इसलिए शुभ माना जाता है क्योंकि माता लक्ष्मी जी की सवारी मानी जाती है उल्लू। इसी प्रकार अपनी तरफ उल्लू को उड़ते हुए देखना कैसा होता है। मित्रों तो अपनी तरफ अगर उड़ता हुआ उल्लू आपने देखा है तो ये भी अशुभ सपना होता है। मित्रों ये आपको धन हानि कराएगा। मित्रों ये धन हानि की ओर संकेत करता है। मित्रों तो आपने जाना कि उल्लू देखना सपने में कैसा होता है। मित्रों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मित्रों